सिग्नल बूस्टर क्या होता है और कौन से दो किस्म के सिग्नल बूस्टर होते हैं, क्या काम करते हैं नहीं करते, ये वीडियो रिक्वेस्ट करी गई थी हमारे व्यूवर फैसल नवाज़ भाई की तरफ से। तो मैंने कहा चलिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़िन, मेरा नाम फैसल शाह, देखने वाले डिजिटल यूट्यूब चैनल हमारा फेसबुक पेज। नाज़िन, सिग्नल बूस्टर जो होता है वो बेसिकली जैसे नाम में ही आ रहा है कि सिग्नल को बूस्ट करना यानी ज़्यादा करने का काम करता है। रेंज एक्सटेंडर भी इसको कहा जाता है और भी बहुत सारे नाम है इसके, भी दो किस्म के होते हैं। पहला जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है वो होता है वाईफाई की रेंज बढ़ाना। मिसाल के तौर पर आपका 3 मंजिला घर है या कनाल का घर है और जो मोडेम राउटर है वो मेन पे लगा हुआ है तो पीछे तक सिग्नल नहीं जाएंगे। ये होता है, बहुत कॉमन है, इजीली अवेलेबल है। और दूसरा इसमें जो होता है जनाब वो होता है टेलीफोन मोबाइल के सिग्नल बढ़ाने वाला, ये भी एक चीज़ होती है लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है। बहरहाल मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो वाईफाई वाला होता है उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज़ करना है तो एक डोंगल आती है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इसके साथ एक एंटीना लगा होता है। ये आप USB प्लग इन करते हैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में और ये क्या करता है कि ये रेंज दूर से भी कैच करता है सिग्नल को जो कि ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। एक दूसरा इसका तरीकेकार यह होता है कि घर के दरमियान में, जैसे अब मैंने अपने घर के दरमियान में लगाया हुआ एक जो है रेंज एक्सटेंडर टीपी लिंक का मैंने लगाया हुआ है, उसमें यह होता है कि मोडेम अगर आपकी फ्रंट पे गैरेज में रखी हुई है और पीछे सपोज 40 फुट, 50, 60, 100 फुट आपका पीछे तक कमरे हैं तो आपको डेफिनेटली फिर सिग्नल चाहिए, तो ये फिर एक्सटेंडर काम नहीं करेगा। ऐसे में आपको एक डिवाइस मिलेगी जो लगानी पड़ेगी, वो डिवाइस घर के बीच में लगेगी, बिजली से चलेगी और आप उसको वायर के जरिए या मेन मोडेम की लैन कार्ड जो लैन एरिया होता है उसके साथ कनेक्ट करेंगे या वाईफाई टू वाईफाई आगे एक्सटेंड कर देगा। यह आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा और यह आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें मोस्ट जो यानी फेमस और इकोनॉमिकल टीपी लिंक के अच्छी क्वालिटी के, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 5-6 साल से, तो आप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड के कैसी नीड है। अच्छा, इसमें जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताई थी कि मोबाइल फोन, यानी या तो आपका घर है नीचे अंडरग्राउंड है या सिग्नल बहुत दूर है या गाँव देहात में, वहां पर आपको 2G आता है, 3G 4G नहीं आता, तो इसका भी एक तरीकेकार मौजूद है जिसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पर वो जो है इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। बट उसमें वो होता है ऐसा है कि उसको बना भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। लेने वाला मैं आपको बताया तो, क्योंकि बनाने वाले में जरा साइंस थोड़ी ज्यादा है। तो उसमें होता यह है कि एक छोटा सा एंटीना होता है जो छत पे लगा होता है, नीचे तार आती है केबल वाली तार, जो हमारे घरों में टीवी केबल चलती है वो तार नीचे आती है, नीचे उसका एक रिसीवर लगा होता है और उस रिसीवर के अंदर भी एक एंटीना लगा होता है, वो रिसीवर बिजली से चलता है और ऊपर से वो सिग्नल कैच करके नीचे भेजता है फ्रीक्वेंसी उसकी, नीचे फिर जो आपकी डिवाइस लगी है वो उसको एम्पलीफाई करके आपके पूरे घर में भेजती है, तो 3G 4G इस तरह से आपको आ जाता है। बट ये इतना कॉमन नहीं है और ये महंगा ज़्यादा है। तो ये इस वीडियो के स्कोप में अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई और सवाल हो तो कमेंट से पूछ लीजिएगा। पाकिस्तान से।